श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन्मल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री यमुना चतुर्भ्याम नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग एक। सो वह ब्राह्मण चुटकी मांगी के निर्वाह करतो, पाछे स्नान करी के रसोई करी के श्री ठाकुर जी को जगाए मंगलाते सेन पर्यंत की सेवा करतो, सो ऐसे नित्य श्री ठाकुर जी की सेवा करतो। सो एक दिन चुटकी मांगी वे को गयो, सो अवेर भई, सो घर आए के ताप उपजियो, सो बेगी बेगी न्याय के मंदिर में बुहारी करत हतो, सो बुहारी की जेवरी टूट गई, सो जनेव तोरी के बुहारी उतावली सो बांधी, सो जनेव की कछु सूधी रही नाही। पाछे श्री ठाकुर जी को जगावन गयो, तब श्री ठाकुर जी प्रसन्न भये, तब याने विनती कीनी, जो महाराज आप प्रसन्न भये ताको कारण कहा। तब श्री ठाकुर जी आपने आज्ञा करी, जो आज तेने जनेव तोरी के बुहारी बांधी, सो ऐसी आतुरता में मोको जगाई वे को आयो, तासो में प्रसन्न भयो हो। तब ते ऐसे ही नित्य श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावन लागे, जो चाहिए सो मांगी लेते, सो यह ब्राह्मण ऐसे ही सदा सर्वदा आतुरता पूर्वक सेवा करतो। भाव प्रकाश, या वार्ता को अभिप्राय यह है, जो पुष्टि मार्ग की सेवा विरह आतुरता की है। विरह आतुरता बिना अनुभव न होई, काहे ते विरह आतुरता करी लोक वेद के धर्म विस्मृत होत है। देह अनुसंधान हु छूटत है, तब प्रभु को आवेश हृदय में होत है, ताते सर्व रस को अनुभव होत है। सो वह वैष्णव श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हतो, ताते इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो वह ब्राह्मण सीधा मांग के अपना निर्वाह करते, फिर स्नान करके रसोई करके श्री ठाकुर जी को जगाते और मंगला से शयन तक की सेवा करते। तो एक दिन सीधा लेने गए तो देर हो गई, तब घर आए तो बहुत ताप हुआ, तो जल्दी जल्दी स्नान करके मंदिर में बुहारी करने लगे, तब वह बुहारी की डोरी टूट गई, तो जल्दी जल्दी में जनेऊ तोड़ के वह बुहारी बांधी, तब उनको इसका कुछ भी पता नहीं चला। फिर श्री ठाकुर जी को जगाया, तब श्री ठाकुर जी तो बहुत प्रसन्न हुए। तब यह ब्राह्मण ने विनती करी कि महाराज आज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं, इसका कारण क्या है। तब श्री ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि आज तूने जनेऊ तोड़ के बुहारी बांधी और आतुरता से मुझे जगाया, इसलिए मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। उसके बाद रोज श्री ठाकुर जी उनसे बात करते, जो चाहिए होता वो मांग लेते, तो वह ब्राह्मण सदा सर्वदा आतुरता पूर्वक ही सेवा करते। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि पुष्टि मार्ग की सेवा विरह आतुरता की है। विरह और आतुरता के बिना अनुभव नहीं होता, क्योंकि विरह और आतुरता से लोक वेद के धर्म विस्मृत होते हैं, तब प्रभु का आवेश हृदय में होता है, जिससे सर्व रस का अनुभव होता है। तो वह ब्राह्मण वैष्णव श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, कापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारु गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूर दास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।